अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, जरा मसरूफियत थी, और मसरूफियत ये थी कि मैं आजकल बातें सुनने जा रहा हूँ। जी हाँ कैसे मज़े की बात है। आमतौर पर जब लोगों को बातें सुनाई जाए तो वो बहुत बुरा मनाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं कि हमसे बातें हमको बातें सुना रहे हैं। यकीन जानिए ये जो बातें मैं सुनने जाता हूँ पिछले दो दिन से, वो कमाल की बातें हैं। ऐसी बातें हैं कि जो जिनको सुन के आप तालियां बजाएं, जो बातें आपको सुना रहे हैं उनको देखकर आपका दिल खुश हो जाए। जी हाँ, और ये बातें जहाँ सुनाई जा रही हैं उसका नाम है कराची लिटरेचर फेस्टिवल। ये 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल है और चिल्ड्रन पब्लिकेशन ने वहाँ पार्टिसिपेट भी किया। 6-7 साल पहले भी हमने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, फिर 5-6 साल छोड़ दिया था, अब दोबारा गए। तो अब लाजमी बात है मेरे पास एक चांस था, मैंने सोचा चले कुछ बातें सुन ही लेते। आपको भी अगर बातें सुनने का शौक़ हो और तमाशा देखने का शौक़ हो, ऐसा तमाशा जिसको देख के आपका दिल खुश है, वो तमाशा नहीं जो आजकल अब हमारे मुल्क में लगा हुआ है, जिसको देख के दिल दुखता है, जिसको देख के परेशानी होती है, ये वो तमाशा नहीं है। वो तमाशा है जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और बातें सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी तक नहीं आए तो आज इसका आखिरी दिन है, ज़रूर आइए। और मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 किस्तों में इसका पूरा कंप्लीट आपको टूर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात।